द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाई ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधु भाई, अब मैं हूँ गांव गसोह जिला जींद के अंदर। और यहाँ पर भाई देखो ट्रेन रोक रखी है, जो किसानों का ऐलान था 27 सितंबर को भारत बंद का, उसी के तहत देखिए ये ट्रेन है जो सुबह जींद से चली थी और सुबह 6:30 के आसपास इसको यहाँ गसोह गाँव के अंदर रोका गया, क्योंकि थोड़ी दूर आगे चल के किसानों ने डेरा डाल रखा है रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर किसान बैठे हैं, तो उसी के तहत इस ट्रेन को यहाँ गाँव गसोह जिला जींद के अंदर रोका गया। और यहाँ पर रोका गया तो देखिए भाई पीछे है जो जितने भी यात्रीगण हैं वो आराम कर रहे हैं, पीछे देख लो बहुत साइड हैं और कुछ इस उस साइड बैठे हैं जो यात्री यहाँ पर रुके थे। और एक बड़ी बात सामने निकल के आई, जो यात्री यहाँ पर रुके हैं उनके लिए खाने पीने का प्रबंध गाँव गसोह के लोगों के द्वारा किया गया, किसानों के द्वारा किया गया। तो आइए उन लोगों से और जो ग्रामीण हैं किसान उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बैठे हैं गाँव गसोह के ग्रामीण बैठे हैं, किसान बैठे हैं जिन्होंने यात्रियों के लिए खाने पीने का प्रबंध किया था। देखिए इस साइड है जो रसोई का प्रबंध किया गया है। तो आइए ग्रामीणों से हम लोग बातचीत करेंगे। देखो भाई ये जो यात्री यहाँ पर रुके थे उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है। देखिए ये कढ़ाई चढ़ रही है और ये खाने पीने की व्यवस्था हलवाई लग रहे हैं। राम राम भैया। राम राम भाई साहब। जो यहाँ गसोह के किसान हैं उन्होंने जो यात्री यहाँ रुके थे उनके रहने के यानी कि खाने पीने की व्यवस्था की, उसको लेकर बताओ क्या किया है। 6 बजे यहाँ ट्रेन रुकी थी आगे, यहाँ फिर गांव के लोग ने पता चलिया, फिर गांव के लोग यहाँ पर चाय पानी का प्रोग्राम किया, दूध लेके आए, जो कुछ लस्सी मिली लस्सी लेके आए, चाय का प्रोग्राम किया और बिस्कुट बास्कुट और खाने का भी प्रबंध कर दिया था। दोपहर का दो सब्जी थी, मटर पनीर सारा, मैंने खाने में सब कुछ जो बोलने थे उसी चीज़ की व्यवस्था की जाती थी। अच्छा, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। जो यात्री यहाँ रुके थे, ट्रेन रोकी गई, किसान आंदोलन चल रहा है आज, भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था करी उनके लिए? उनके लिए हमने जो भी व्यवस्था गाँव की तरफ से बनी, चाय से बिस्कुट से बीड़ी से कौन, कौन, कौन से गांव थे? ये गसोह कला और गसोह खुर्द दोनों गांवों ने मिलके कराया है। खाने पीने की खाना दोपहर को खाना, सुबह चाय बिस्कुट और बीड़ी माची जो भी इनको चाहिए सब कुछ दिया है, बच्चों के लिए दूध। और जो किसान आंदोलन चल रहा है आज, भारत बंद है, तो उसको लेकर क्या कहोगे आप? ये तो फिर किसान मोर्चा का जो ऊपर से आदेश था उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, बस जहाँ भी गाड़ी जो रुका है उसको अपना खाने पीने की व्यवस्था बनानी है। तो किसान मोर्चे की तरफ से जो आदेश थे वो मिले हैं, 4 बजे तक रोकेंगे, 4 बजे हम उठ जाएंगे। ये हमारा संघर्ष था, संघर्ष ही रहेगा जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं ले जाएंगे, जब तक संघर्ष करेंगे, मिलके करेंगे। भाई क्या व्यवस्था करी थी यात्रियों के लिए? सुबह 6:15 बजे से गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है स्टेशन पे, और हमने सुबह से ही चाहे बूढ़ा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए दूध की व्यवस्था है, चाय की है, बिस्किट्स की, नाश्ते की व्यवस्था थी, और दोपहर को हमने रोटी है, पूरी है, सब्जी है, लस्सी है, और डॉक्टरी टीम की भी व्यवस्था हमने यहाँ पे की है। तो जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, अभी 10 महीने पूरे हो गए, 11वां महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को लग गए हुए सरकार मान जाएगी? सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, समय की सीमा की बाध्य नहीं है, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके किसान जो भी ये इन्होंने तंग किए हुए हैं उनको देखना पड़ेगा, और जो कानून है तीनों इनको रिटर्न करना पड़ेगा। मैं माननीय मोदी साहब से भी निवेदन करूँगा कि ज़्यादा किसानों को परेशान न करें और जो भी है इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो आदेश है, जो कहते हैं 2024 तक चलाना हो, हमने शांतिपूर्वक चलाएंगे, न बिल्कुल कोई हिंसा करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक से बैठेंगे, जब तक समाधान नहीं होगा जब तक हम नहीं उठेंगे। और खट्टर सरकार और अपने जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, उसको लेकर क्या कहोगे? जैसे हरियाणा में अभी एमरजेंसी जैसे हालात हैं, हरियाणा में जितनी भी पार्टियाँ आई है सभी ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करने का काम किया है, सभी की बात है, चाहे चौटाला परिवार की बात है, चाहे अपने बीजेपी में कोई सा भी वीरेंद्र सिंह की बात है, और हुड्डा की बात है कांग्रेस की, सभी ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करने का काम किया है। किसी ने ये नहीं है कि अपने हल्के में किसी को दूसरे को प्राथमिकता दी कि नहीं मैं पीछे हटूँगा तू इलेक्शन लड़, ये सब राजनीतिक के चोर हैं। इन्होंने हमेशा ही किसान को मजदूर को लूटने का काम किया, किसी का भला नहीं किया आज तक, कोई सा भी है, जितने भी राजनीतिक हैं सभी ने किसान का और शोषण किया है, मजदूर का शोषण किया है। इमरजेंसी वाले हालात तो खट्टर ने खुद कर रखे हैं, लोगों ने तो नहीं कर रखे, लोग तो बिल्कुल शांतिपूर्वक चले हैं, जहाँ भी गए हैं शांतिपूर्वक से गए हैं,
पर सरकार जो प्रशासन तो कुछ है बनाओ उसके बारे में, उससे तो फिर हमने तो कोई लेना देना नहीं। सरकार की मजबूरी है क्या है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो सरकार का काम है। हम अपना बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेंगे, शांतिपूर्वक चलेंगे। चलो ठीक है। देखो भाई, ये गांव गसो के ग्रामीण थे, गसो कलां और खुरद दोनों गांव ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया था और लंगर व्यवस्था की थी। जो यात्रीगण यहां पर रुके थे, ट्रेन रोकी गई भारत बंद के दौरान। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।